नमस्कार दोस्तों, हम लोग किसी की शादी में चंडीगढ़ आए थे और अगले दिन दिल्ली वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। चंडीगढ़ में अच्छी बारिश हो रही थी और थोड़ी बहुत ठंड भी पड़ रही थी। तभी अचानक किसी ने कहा कि क्यों ना दो दिन का प्रोग्राम और एक्सटेंड कर लें और शिमला हो आए, क्योंकि अगर चंडीगढ़ में बारिश है तो शायद हो सकता है कि शिमला में स्नोफॉल देखने को मिल जाए। तीन फैमिलीज ने डिसाइड किया कि हम लोग शिमला चलते हैं, जबकि बाकी लोग दिल्ली वापस जाने को तैयार हो गए। अब प्रोग्राम अचानक बन गया तो होटल की ऑनलाइन बुकिंग को सर्च किया गया और लकीली एक ही होटल में हमें सारी अकोमोडेशन मिल गई और वो भी पार्किंग के साथ। सुबह निकलते निकलते थोड़ा टाइम हो गया क्योंकि बारिश काफ़ी ज़बरदस्त हो रही थी। कुछ देर वेट करते रहे कि शायद बारिश रुक जाए, मगर बारिश पूरे जोरों पर थी तो अल्टीमेटली हम लोग निकल पड़े और बारिश में ही हमने सफ़र लगभग तय किया। अच्छा मौसम था, बस ये था कि कार थोड़ी आहिस्ता चलाएं। और हमें उस होटल वाले ने बोला था कि आप शिमला तक पहुंचोगे तो मुझे एक बार फ़ोन कर देना, क्योंकि वहाँ पे शायद हमें लोकेट करना उस होटल को मुश्किल पड़ेगा, तो वो किसी बंदे को हमारे पास भेज देगा जिसकी गाइडेंस में हम होटल तक पहुंच सकते हैं। हम लोगों ने शिमला में पहुंचते ही उसको फ़ोन कर दिया और वो बोला कि कुछ देर में मेरा बंदा वहाँ पे एक मोटरसाइकिल पर आ रहा है या बाइक पर आ रहा है, और हम लोग वहाँ पर वेट कर रहे थे। मौसम अभी थोड़ा सा खुल गया था, हालांकि खूब घने बादल छाए हुए थे, लेकिन हाँ ये है कि बरसात नहीं हो रही थी। और कुछ ही देर में एक बहुत अच्छे सज्जन एक बहुत बढ़िया सी मोटरसाइकिल के ऊपर हमारे पास आ गए। मोटरसाइकिल पर वह सज्जन हमारे आगे आगे चलने लग पड़े, लेकिन ये था कि उनकी स्पीड थोड़ी हमसे ज़्यादा थी तो उनको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। लगभग 15 से 20 मिनट की ड्राइव करने के बाद हम अपने होटल तक पहुंच गए थे। जब वहां पहुंचे तो वहां पर भी काफ़ी घने बादल छाए हुए थे और होटल में इस वक्त लाइटें जल रही थी और आसपास ऐसे लग रहा था जैसे कि रात हो गई हो। होटल की पार्किंग थोड़ी सी नीचे जाकर थी तो हम लोगों ने अपनी गाड़ियां वहीं ऊपर छोड़ दी। वो बोला कि हमारा ड्राइवर नीचे ले जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी डेप्थ में थी और इस वक्त लगभग थोड़ी थोड़ी बारिश होनी शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे ही हम होटल में पहुंचे, देखिए क्या मज़ेदार सीन बना। वो देखो पापा, नीचे देखो, नीचे उसमें कितने इकट्ठे हो गए। ओलावृष्टि और लगातार बरसात होने के कारण सबको ठंड महसूस हो रही थी और इसका सबसे अच्छा उपाय था आग सेकना और कुछ गर्मा गर्म खाना। तो दोनों ही इंतज़ाम हमारे होटल वाले ने बड़ी अच्छी तरह किए हुए थे और हमने आराम से आग सेकी और काफ़ी स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। सबसे पहले ये देखिए, कुछ आलू फ्राई किए हुए और नीचे छोले और बिल्कुल गर्मा गर्म और साथ में चाय सर्व की। ठंड का मौसम था तो इसको खा के सच में बहुत मज़ा आया। कुछ देर आराम करने के बाद हम लोग फिर डाइनिंग हॉल में चले गए। वहाँ पर भी उसने बहुत ही लजीज खाना खिलाया
पूरी गर्मा गर्म पूरी, साथ में आलू की सब्जी और पनीर टिक्का। इतना स्वादिष्ट था कि मज़ा आ गया, क्योंकि ठंड भी बहुत लग रही थी और ये गर्मा गर्म खाना खा के तो आनंद आ गया। बस रात को बिजली तो काफ़ी देर तक चमकती रही, मगर ना बरसात हुई और ना ही ओले पड़े, तो देखते हैं कल सुबह क्या होता है। लेट्स सी। सुबह का मौसम बहुत ही बढ़िया था और चारों तरफ बहुत अच्छी तरह सूरज की लाली नजर आ रही थी और दूर दूर तक मतलब बादल तो थे बट बहुत थोड़े थोड़े नजर आ रहे थे, तो इससे हमें मौका मिला कि कुछ बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफी वहां की कर सकें। शिमला में बंदरों का तो चोली दामन का साथ है, आप सुबह जब उठेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नज़र आएंगे, आप रास्ते में जाएंगे तो भी आपको नज़र आएंगे, आप अगर कोई थैला लेकर जाएंगे तो भी आपसे ये छीन सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आप बिना वजह किसी भी जानवर को तंग ना करें, क्योंकि जानवर भी प्यार का भूखा होता है और वो आप पर कभी भी अटैक नहीं करता जब तक कि उसको अपने ऊपर कोई खतरा महसूस ना हो, क्योंकि हर जीव अपनी रक्षा तो करता ही है ना। ईश्वर ने हर जीव को बहुत सोच समझ के बनाया है ताकि इस धरती का बैलेंस बना रहे, और उसी तरह कुदरत ने भी हर जीव के खाने पीने और रहने का इंतजाम अपने तरीके से किया हुआ है। सुबह ब्रेकफास्ट करके हम लोग माल रोड की तरफ निकल पड़े, जो कि हमारे होटल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था। मौसम इस वक्त ठीक था, थोड़ी थोड़ी ठंड मगर साथ में हल्की हल्की धूप भी थी। रास्ता ऊंचा नीचा था लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं थी, सो नज़ारे देखते देखते आराम से माल रोड की तरफ जा रहे थे। रास्ते में दो बड़े छोटे छोटे प्यारे प्यारे पपी आपस में खेलते हुए और धूप का थोड़ा लुत्फ उठाते हुए। वाह वाह क्या नजारा है, वाह क्या बात है, मस्ती से झूले खाए जा रहे हैं दुनिया की परवाह किए बिना। बहुत खेल कूद कर लिया, बहुत मस्ती कर ली, अब तो थकावट हो गई है, सो आराम से बैठ कर रोटी खाई जाए, उसके बाद कुछ सोचेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। खेल कूद भी कर लिया, खाना भी खा लिया, अब तो कुछ फ्रूट्स खाए जाएं। संतरे का छिलका थोड़ा सख्त लग रहा है मगर खाकर मजा आएगा, बस थोड़ी मेहनत और। शिमला एक्चुअली वो जगह है कि जहां आप 10 बार भी जाओ तो भी हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करते हो, और यहां के नजारे आपको हमेशा अपनी तरफ खींचते हैं। चारों तरफ खूबसूरती और ये ऊंचे ऊंचे पर्वत हमेशा पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ये चर्च शिमला का एक लैंडमार्क है
और इसी के आसपास के एरिए को रिच कहते हैं। यहां पर अक्सर आपको कोई ना कोई कभी ना कभी टहलता हुआ मिल ही जाएगा। पीछे हनुमान जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा नजर आ रही है जो कि जाखू मंदिर में स्थित है, और जाखू मंदिर से शिमला का शायद पूरा नजारा दिखता है। इस जगह पर बच्चे और बड़े सब लोग घुड़सवारी का खूब आनंद उठाते हैं। मौसम धीरे धीरे फिर खराब हो रहा था और घने बादल छा रहे थे। एक वक्त पर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी बहुत तेज बारिश होगी, क्योंकि चारों तरफ से बादल घिर कर आ रहे थे और धुंध छा रही थी। कुछ ही देर बाद खूब तेज बरसात होने लग पड़ी और बरसात के साथ बहुत तेज ओले गिरने शुरू हो गए, और देखते ही देखते पूरी सड़क जो है वो सारी की सारी सफेद हो गई। ये ऊपर मेन रोड में भी ये हो रहा होगा, और ये तो उठा सकते हैं। दूर दूर तक जहां भी नजर जाती थी वहीं काली सड़क सफेद नजर आ रही थी। बहुत ही मस्त नजारा था। एक्चुअली ये स्नोफॉल नहीं थी बल्कि ओलावृष्टि थी, लेकिन फिर भी बहुत ही आनंद आ रहा था। ठंड भी लग रही थी लेकिन इस नजारे को कोई भी मिस नहीं करना चाहता था। रेस्टोरेंट में बिल्कुल जगह नहीं थी तो लोग इधर उधर जहां भी जगह मिल रही थी वहीं शेल्टर ले रहे थे। आज हमारा वापसी का प्रोग्राम था। हालांकि मौसम ठीक था लेकिन बाहर निकलकर देखा तो कारों के ऊपर अच्छी खासी बर्फ जमी हुई थी। होटल वाले ने ही किसी को बुलाकर कारों की सफाई करा दी। अब अगला चैलेंज था कारों को नैरो स्वीप चढ़ाई से ऊपर चढ़ाना। तीन कारें थी और कारों के इंजन पर कितना जोर लगा होगा ये आप इसे देखकर खुद ही जज कर सकते हैं। हाँ? हट जाएंगे अपने आप भी। थोड़ी सी आगे से हट गई हो? हाँ हाँ बाबा हट जाएगी थी, क्रूज पे भी हट गई थी मैं। चलो भाई मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी हुई है। कौन बेचारा डॉगी। और रे गई 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 ड्राइवर कुत्ता भी इतनी जोर से स्पीड से भाग रहा था सामने। पीछे हो जाइए। हाँ मैं हट जाऊंगी पीछे। कितनी पीछे से लेके आ
नहीं है, नहीं है, आ जाओ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।